अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई एम योर मैथ्स टीचर एंड टुडे इज 15 दिसंबर 2020। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग काम करने वाले हैं, बहुत ही एक्साइटमेंट वाला, और मुझे उम्मीद है कि आप सब आज काम को बहुत इंजॉय करेंगे। नाउ ओपन योर बुक्स पेज नंबर 120 एंड 121। और मैं आपको आज बता रही थी कि बहुत एक्साइटमेंट होने वाली है, तो आज हम वाकई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं काम करने के लिए, क्योंकि आज हमने करना है मनी के बारे में, पैसों के बारे में। आपको पैसों के बारे में तो सबको पता होगा ना। चलिए हम काम स्टार्ट करते हैं। और ये है हमारे पास इतने सारे कॉइन्स भी हैं, नोट्स भी हैं, और आज हम काम करेंगे। ये देखें, ये हमारे पास है 1 रुपये का कॉइन। और ये हमारे पास है 2 रुपीज़ का कॉइन। और ये हमारे पास है 5 रुपीज़ का कॉइन। और इसी तरह ही हमारे पास ये देखिए, ये है 10 रुपी नोट। ये हमारे पास 20 रुपी नोट, 50 रुपी नोट, 100 रुपी नोट, 500 रुपी नोट, 1000 रुपी नोट, और ये हमारे पास है 5000 रुपी नोट। और ये पैसे जो हैं, आपको पता है कि जब भी हम बाहर जाते हैं या कोई काम करने जाते हैं, हमें इन पैसों की ज़रूरत पड़ती है। हम शॉपिंग करने जाएं या हम लोग चीज़ लेने के लिए जाएं या कुछ भी बाय करने के लिए हम जाएं, हमने क्लॉथ्स खरीदने होते हैं, हमने अपनी पेंसिल, रेजर, शॉपर, जो भी चीज़ खरीदनी होती है, वो हम किनसे खरीदते हैं, इन सब रुपये का यूज़ करके। पहले ऐसे होता था कि हम लोग जब कोई चीज़ हमने लेनी होती थी तो हम लोग चीज़ के बदले में चीज़ें लेते थे, लेकिन जब से पैसे इन्वेंट हुए हैं, मनी इन्वेंट हुई है, तब से हम एक पैसों का यूज़ करते हैं। चलें आज हम एक्सरसाइज करेंगे इसकी, मनी, रुपीज़ एंड पैसा। आज हम पैसा, रुपी और के बारे में काम करेंगे। ये जो मैंने आपको करेंसी दिखाई है अभी बोर्ड के ऊपर, ये सारी पाकिस्तानी करेंसी है, और हम पाकिस्तानी करेंसी यूज़ करते हैं। आज ही हम इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। हाउ मैनी, ये देखिए 1 रुपये का कॉइन है, ये 1 रुपये का कॉइन है, और हमने इसके 10 रुपये बनाने हैं। कि 1 रुपये के कॉइन हमारे पास कितने होंगे, तो 10 रुपीज़ के कॉइन बनेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारे पास 1 रुपीज़ के 10 कॉइन्स हैं। तो हमारे पास 1 रुपये के 10 कॉइन्स होंगे, तो हमारे पास 10 रुपीज़ बनेंगे। इसी तरह ये देखें, हमारे पास 2 रुपये का कॉइन है, 2 रुपये के हमारे पास कॉइन है, और हमने इनके 20 रुपीज़ बनाने हैं। अब हमारे पास कितने कॉइन्स 2 रुपीज़ के होंगे, तो वो 20 बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हमारे पास 2 रुपीज़ के कॉइन होंगे, तो हमारे पास 20 रुपीज़ बनेंगे। आपने यहाँ पर 10 लिख दें, और यहाँ पे भी लिखना है 10 2 रुपी कॉइन्स, 10 रुपीज़ के 2 कॉइन, 10 2 रुपीज़ के 10 कॉइन्स होंगे, तो हमारे पास 20 रुपीज़ बनेंगे। आपने अपने पास कॉइन्स रखने और उनको काउंट करना, और फिर जब आप स्कूल में आएंगे तो मैं आप सबसे पूछूंगी कि आपने कितने कॉइन्स कलेक्ट किए थे और कितने रुपीज़ आपने बनाए थे।